त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण लागू करने एवं अन्य समस्याओं के निराकरण हेतु शुक्रवार को ओबीसी महासभा नरवर ने माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, महामहिम राज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के नाम 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन नरवर तहसीलदार को सौंपा। ओबीसी महासभा नरवर द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के मध्य प्रदेश राज्य में अन्य पिछड़े वर्ग की लगभग 50% आबादी निवासरत है। प्रदेश के मुखिया भी ओबीसी वर्ग से संबंध रखते हैं, फिर भी ओबीसी वर्ग के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि अब तक ओबीसी आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। ओबीसी महासभा द्वारा दिए गए ज्ञापन में निम्न मांगों को रखा गया है। त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनावों में ओबीसी वर्ग को 51% आरक्षण लागू किया जाए, ओबीसी आरक्षण अधिनियम को संविधान की 9वीं अनुसूची में जोड़ा जाए, मध्य प्रदेश विधानसभा में विशेष सत्र बुलाकर तत्काल प्रभाव से ओबीसी वर्ग को अनुच्छेद 340 के तहत घोषित आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में जोड़े जाने हेतु केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जावे, मध्य प्रदेश शासन एवं राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा पृथक से मध्य प्रदेश में निवासरत ओबीसी वर्ग का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं शैक्षणिक रूप से जातिवार जनसंख्या के आंकड़ों को एकत्रित कर आधिकारिक रूप से सार्वजनिक किया जावे तथा प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी महासभा के साथ की गई अभद्रता की न्यायिक जाँच की जावे। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कालूराम कुशवाहा, लक्ष्मण भोजपुरिया, हीरा कुशवाहा, कृष्णा रावत, शुगर सिंह रावत, बंटी रजक और सैकड़ों कार्यकर्तागण उपस्थित हुए। नरवर मध्य प्रदेश से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।